हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम ई एकेडमी। आज हम 6 नवंबर का न्यूज एनालिसिस करेंगे। आज बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आए हैं, तो थोड़ा वीडियो में टाइम ज़्यादा लगेगा। पेपर 2 में हमारा एक टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उससे रिलेटेड क्या खबर है कि हमें ऑलरेडी पता है कि USA ने ईरान पे सैंक्शन लगाए थे, ठीक है, और उन्होंने कुछ 8 कंट्री को एग्जेम्पशन दिया था कि वो कंट्री जो है ईरान से ऑयल ट्रेड कर सकती हैं। शर्त खाली ये थी कि पहले जितना ट्रेड करती थी ऑयल का, क्रूड ऑयल का, उससे अब थोड़ा कम करेंगी। तो वो 8 कंट्री कौन कौन सी हैं? चाइना, इंडिया, ग्रीस, इटली, ताइवान, जापान, टर्की एंड साउथ कोरिया। तो इन 8 कंट्री को छूट मिल गई है। इसमें कुछ शर्तें ये रखी गई हैं कि जितनी भी कंट्री अपना रिड्यूस करेंगी ऑयल इम्पोर्ट, और जो वो पेमेंट करेंगी ईरान को, वो किस में होगा? फॉरेन अकाउंट में होगा, और इस अकाउंट से ईरान पैसा ले सकता है जो ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन पर्पज़ के लिए, जैसे फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, और जो नॉन सैंक्शन, मतलब जिन पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, उन आर्टिकल्स को ईरान जो है आराम से ख़रीद सकता है। तो उसी की एक्सटेंडेड न्यूज़ थी जो पिछले 2 वीडियो में लगातार चल रही है, तो उसी में आप वहाँ जाके इस कागज़ में लिख के इसको ऐड कर देंगे। फिर पेपर नंबर 3 में हमारा एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी यूनिट है, उसी से रिलेटेड एक खबर है MSP से रिलेटेड। देखो क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो कहती है किसानों को एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस पे क्या करती है, उनका अनाज लेती है। जब हम देखते हैं बारिश का सीज़न आ जाता है तो क्या होता है, जो फसल हमारी होती है वो बारिश से ख़राब हो जाती है। क्यों ख़राब होती है? क्योंकि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो ये पंजाब का केस है जहाँ पे चावल है वहाँ पे पैडी, मतलब राइस, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं प्रोक्योरमेंट के, वह हैं कि 17% तक अगर आपके चावल में मॉइस्चर कंटेंट है तो उसको राज्य सरकार प्रोक्योरमेंट करेगी। लेकिन लास्ट वीक सितंबर में इतनी ज़्यादा बारिश आ गई थी जिससे कि मॉइस्चर जो है वहाँ पे पैडी का, वहाँ के चावल का मॉइस्चर जो है थोड़ा बढ़ गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने लेने से मना कर दिया कि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, इस राइस को हम प्रोक्योर नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ के जो किसान हैं, जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है, वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनानी है कि जो मॉइस्चर कंटेंट है उसकी लिमिट को कितना कर दो, 17 से 22%। ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो लेमैन लैंग्वेज में लिखते हैं कि बारिश का क्या फ़र्क पड़ता है, तो अब हम उसे और साइंटिफिक वे में, ठीक है, और टेक्निकल वे में लिखेंगे जिससे हमें ज़्यादा मार्क्स पड़े हमारे मिले। हम क्या लिखेंगे कि जब बारिश आती है, जो अनवांटेड बारिश आती है, जब हार्वेस्टिंग सीजन बहुत पास होता है उस समय जो बारिश आती है वो क्या करती है, जो भी हमारे ग्रेन्स होते हैं उनका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा देती है, और मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाने से वो एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जाते हैं और राज्य सरकारें फिर उनको प्रोक्योरमेंट करने के लिए, उनको लेने के लिए मना कर देती हैं, जैसे कि रिसेंट में पंजाब का केस हुआ। इसके बाद क्या है, पेपर 2 से रिलेटेड खबर है एजुकेशन, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल है जो हम कहीं पे भी पुट कर सकते हैं कि तेलंगाना में करीम नगर, ये जगह है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्लास 9 और क्लास 8 के बच्चों को इंग्लिश में अच्छी फ्लुएंसी लाने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए उनको क्या कर रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो की एक सेपरेट क्लास होगी। ऑल इंडिया रेडियो के जो इंग्लिश में कम्युनिकेशन होता है उसको बच्चे सुनेंगे, जिससे क्या करेंगे, वो इंग्लिश में और अच्छी सुधार कर सकें। जब हम बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, या प्राइमरी या एलिमेंट्री, अगर हम प्राइमरी या एलिमेंट्री की बात करें तो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा था बहुत सारा कि क्लास 8 के बच्चे को 5 की अरिथमेटिक नहीं आती, 5 का बच्चा जो है पढ़ नहीं पाता है, तो इंग्लिश की बारे में तो सोचो ही मत। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो स्कूल हैं, जो ऐसा करीम नगर में मॉडल अडॉप्ट किया जा रहा है, वो पूरे भारत में भी अडॉप्ट किया जा सकता है, खासकर हिंदी शासित राज्यों में जहाँ पे इंग्लिश बच्चा सीखने में बहुत क्या करता है, आनाकानी करता है। तो एक अच्छा एक इनोवेटिव एग्जांपल, 1 लाइन हम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद पेपर नंबर 3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तमिलनाडु का इस गांव का नाम याद रखेंगे आप, इस गांव का नाम क्या है, KOONTHANKULAM, कुंठा कुल्लम विलेज क्यों फेमस है, क्योंकि ये क्या करते हैं, वॉलेंट्री बैन है यहाँ पे बम पटाखे फोड़ने से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वर्ड की स्पीसीज़ आती हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बांस और बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं
जहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज स्पेशली वर्ल्ड की माइग्रेटरी स्पीसीज यहाँ पे आती हैं। तो इस गांव के वाले लोग जो करते हैं वॉलंटरी बैन कर रखा है उन्होंने पटाखा जलाने से। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, नेचर को प्रिजर्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, बम पटाखे नहीं चला रहे हैं। तो इस विलेज का नाम, और हम ऐसे में भी लिख सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में, कहीं पे भी लिख सकते हैं। और दिवाली का सीजन है, आज छोटी दिवाली है। देखो तो मैंने तो इस बार सोच लिया कि एक सिंगल बम भी, पटाखा या फुलझड़ी कुछ भी नहीं जलाएंगे, केवल क्या जलाएंगे, दिए जलाएंगे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बम पटाखे ना जलाएं, पॉल्यूशन ना फैलाएं और खुले अच्छे एनवायरनमेंट में रहें। हेल्थ से रिलेटेड क्या खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने, देखो क्या है, कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पहले सर्टिफाइड होना पड़ता है कि वो MBBS का कोर्स चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। लेकिन कुछ सब स्टैंडर्ड स्कूल हैं जिनके पास या तो लैब अच्छी नहीं होती या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, उसके बाद भी MBBS की डिग्रियां देने में लगे रहते हैं, बच्चों का एडमिशन करने में लगे रहते हैं। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम हाफ वे डॉक्टर, मतलब आधे रूप से बने डॉक्टर को अलाउ नहीं करेंगे। जो जो स्कूल, जो जो कॉलेज, ठीक है, सब स्टैंडर्ड हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, पहले उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा, अपनी लैब सुधारनी पड़ेगी, तभी वो MBBS जैसे कोर्स चला सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का साफ स्टेटमेंट आप ये पढ़ सकते हैं और हेल्थ सेक्टर में आप इसको ऐड करेंगे। हेल्थ सेक्टर में काफ़ी सारे रिफॉर्म आए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रिफॉर्म आया, इवन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डिजॉल्व होकर एक नई काउंसिल के रूप में आएगी, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ऑलरेडी मैं इसे पेपर 2 में कवर करूंगा ही करूंगा। पेपर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड खबर है, उड़ान स्कीम हमने कुछ दिनों पहले अपने इन्हीं आर्टिकलों में पढ़ी थी, और उड़ान स्कीम की क्या कराई थी हमने, क्रिटिकल एनालिसिस कराई थी। फिर मैंने उड़ान इंटरनेशनल भी पढ़ाई थी, ठीक है, उड़ान इंटरनेशनल क्या होता है, किसी को याद आ रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, अन्यथा जो नए बच्चे हैं वो पुराने वीडियो ज़रूर देखें, न्यूज़पेपर वाले, ठीक है ना, न्यूज़पेपर एनालिसिस वाले। अब ये उड़ान 3 क्या है, उड़ान 3 में क्या होगा, सी प्लेन्स जो हैं ये लगाए जाएंगे टेहरी डैम में, नागार्जुन डैम में और साबरमती रिवर फ्रंट में, ठीक है। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंदर जो है लगाए जाएंगे सी प्लेन्स। तो एक शानदार एग्जांपल है इंफ्रास्ट्रक्चर का। पेपर 2 गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशन, ये सब टॉपिक है, उससे रिलेटेड खबर है CIC और RBI के बीच में। इसमें देखो मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो CIC है, ठीक है, उसने RBI को रिटर्न में लिखा है कि आप जितने भी विलफुल डिफॉल्टर हैं उनकी लिस्ट शो क्यों नहीं कर रहे हो। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि शो करनी चाहिए, उसके बाद भी RBI क्यों शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो CIC जो है उसके और RBI के बीच में क्या डिस्प्यूटेड चल रहा है उसको हम पढ़ लेते हैं कि RBI इज़ नॉट अपलोडिंग जो ये लिस्ट है ना, इसको अपलोड क्यों नहीं कर रहे हैं जितने भी डिफॉल्टर हैं और इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। RBI ने क्या बोला, RBI ने कहा ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट और फिड्यूसरी रिलेशनशिप के अंडर हम इसको नहीं दिखा सकते हैं। इसको समझो कैसे कि एक दो साल पहले रघुराम राजन जब हमारे गवर्नर थे, तो उन्होंने बोला था कि जब कोर्ट ने बोला था कि विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट दिखाओ, तो उन्होंने कहा था हम नहीं दिखा सकते, इससे क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं उनके नाम भी सामने आ जाएंगे और इससे भारत की इकोनॉमिक पे क्या होगा, गलत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाले लोगों को पता चल जाएगा कि ये कंपनी जो है अंडर डिफॉल्ट में जा रही है, तो भारत में इन्वेस्टमेंट भी कम आना लग जाएगा। हमें उनको पीरियड टाइम और देना चाहिए जिससे क्या करें वो अपना बिजनेस अपना रिसाइकिलिंग में करके जल्दी अपने जो पुराने लोन हैं NPA लोन हो रहे हैं उनको सही कर सके, उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करी जाए। तो ये रघुराम राजन का स्टेटमेंट था, तो वही RBI का व्यू आज भी चला आ रहा है। RBI आज भी मना करती है कि हम लोगों के नाम जो है डिफॉल्टरों के नाम शो नहीं करेंगे, इससे क्या होगा इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है और हमारे जो बायर, ठीक है, जो लैंडर रिलेशनशिप है वो भी ख़राब हो सकते हैं। 2015 में जो कोर्ट का ऑर्डर आया था उसने बोला था कोर्ट में कि RBI को, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTI एक्ट को पूरी तरह मानना चाहिए, RBI की कोई लीगल ड्यूटी नहीं है कि वो मैक्सिमाइज करें बेनिफिट करें किसी भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक का या प्राइवेट सेक्टर बैंक का, इसलिए कोई
रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, बिटवीन डैम, मतलब रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक होगी, रिजर्व बैंक और PSU बैंक या प्राइवेट बैंक के बीच में कोई ट्रस्ट जैसा रिलेशनशिप नहीं है, तो आप बिल्कुल दिखा सकते हो। ये किसका कहना था? कोर्ट का। CIC ने हालांकि फिनेंस मिनिस्ट्री को भी बोला है कि आप क्यों नहीं बता रहे हैं लोगों को कि आपने बिलफुल डिफॉल्टर के अगेंस्ट क्या स्टेप लिया है, जिन लोगों ने 50 करोड़ से ज़्यादा का जिनका NP है उनके अगेंस्ट आप क्या ले रहे हो स्टेप, उनके लिए वारंट उनके लिए जारी किए जा रहे हैं नहीं जा रहे, उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग लगाई जा रही है नहीं जा रही है। एक्चुअली में हुआ क्या था, RTI एक्ट के अंदर, RBI में, RTI एक्ट के अंदर हम किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो RBI से पूछा गया था कि कौन कौन विलफुल डिफॉल्टर है उनकी लिस्ट लाओ, लेकिन RBI ने साफ मना कर दिया था। तो वो इशू आज दोबारा से आ गया है, अब CIC दोबारा RBI के पीछे पड़ गई है कि आप देश हित में ये जारी करें, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बाद में देखें। तो ये पूरा मसला था। अब पेपर टू, गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है, RBI वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पिछले हमने वीडियो में पढ़ा था कि RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या है, टसल चल रहा है, तो किन तीन चीज़ों पे चल रहा है, अब वो ज़्यादा क्लियर हुई है इस आर्टिकल में। हमें पता है कि पहली बार सेक्शन 7 यूज़ की गई थी, ठीक है, और सेक्शन 7 क्या है ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है RBI को रिटर्न नोटिस दे सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तीन इशू पे प्रॉब्लम आ रही है, पहला कि जो NPA है, ठीक है, और स्पेशली किसका, पब्लिक सेक्टर बैंक का, उस केस में RBI बहुत ही कठिन जो है रेस्ट्रिक्शन लगा रही है। आपने देखा होगा कि काफ़ी बैंकों का मर्जर भी हो रहा है, ठीक है, और अगर मर्जर की बात करें तो PCA जो मैंने ऑलरेडी आपको इकोनॉमिक्स में बता रखा है, PCA क्या है, प्रॉम्प्ट कंट्रोल एक्शन, तो जो प्रॉम्प्ट एक्शन हो रहे हैं इसमें क्या किया जा रहा है, बैंकों पे पेनल्टीज लगाई जा रही है। तो सरकार का कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्हीं के खिलाफ RBI ज़्यादा जो है कड़े हथकंडे अपना रही है। दूसरा क्या इशू चल रहा है, RBI सॉफ्ट, मतलब बहुत क्या कहते हैं, हल्के तौर पे ले रही है किसको, पावर कंपनियों को, जबकि वो डिफॉल्टर है, लोन रीपे नहीं कर पा रहे, तो भी आप पावर इंडस्ट्री या पावर कंपनीज के लिए तो बहुत सॉफ्ट रवैया अपना रहे हो, ठीक है। और तीसरा क्या है, देखो RBI क्या होता है, RBI भी जो अपनी सिक्योरिटी देता है, ठीक है, बैंकों को लोन देता है, रेपो रिवर्स रेपो आपको पता है ना, तो वहाँ से भी RBI की अर्निंग होती है, ठीक है। तो जो RBI के पास सरप्लस आता है वो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है, और उसमें से भी कुछ बचता है तो वो अपने फ्यूचर के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, देश में फिनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है, कभी क्या करते हैं डॉलर खरीदना है, कभी डॉलर को निकालना है, इन सब के लिए, और कंटिंजेंसी मतलब आकस्मिक स्थितियों के लिए भी जो है उस पैसे को बचा के रखता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि जितना सारा का सारा सरप्लस ही क्या करे, सीधे सीधे हमें दे दे। तो क्या वही मैंने लिख रखा है, गवर्नमेंट वांट्स द RBI टू रीसेट द फार्मूला। तो ये सरप्लस जो है जो आता है कि कितना केंद्र सरकार को दे और कितना अपने पास रखे, इस फार्मूले पे दोबारा विचार करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस है, लार्जर सरप्लस अमाउंट किसको दे दे, ट्रांसफ़र टू गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उससे क्या करेगी, जो PSU बैंक है उनकी हालत सुधारेगी, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड देगी या उनको वेवर प्लान देगी, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए RBI पे ज़्यादा वो क्या कर रहे हैं, फोर्स डाल रहे हैं कि आप सरप्लस ज़्यादा ज़्यादा हमें दें। तो इन तीन चीज़ों पर इनमें आपस में जो है लड़ाई चल रही है। अब है पेपर टू, इंटरनेशनल रिलेशनशिप और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ये एक टॉपिक है पेपर नंबर टू में। तो देखो बहुत पहले 1987 में एक ट्रीटी हुई थी, INF ट्रीटी। INF ट्रीटी किस किस के बीच में हुई थी, रसिया और USA के बीच में। INF ट्रीटी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स। इसमें क्या था कि USA, ठीक है, और रसिया 500 किलोमीटर रेंज के जितने भी इनकी मिसाइल्स हैं उनका करेगा ख़त्म करेगा इस ट्रीटी के अंदर, किसके अंदर, INF ट्रीटी के अंदर। लेकिन अब ये ट्रीटी को ट्रंप साहब ने ख़त्म कर दिया कि हम इस ट्रीटी को नहीं मानेंगे,
ट्रम्प का कहना यह है कि क्यों हम और रसिया ही हर चीज़ में सारी ट्रीटी के अकॉर्डिंग हम ही अपने न्यूक्लियर वेपन को क्यों ख़त्म करें, क्यों हम अपनी ब्लास्टिक मिसाइल को ख़त्म करें जबकि और देश तो अपने हथियार बढ़ा रहे हैं। तो उनका कहना था कि सब हमसे चीटिंग कर रहे हैं और सारा इल्ज़ाम यूएसए पे लग जाता है। तो उसी के रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखो, जब पहले जब वर्ल्ड वार टू हुआ था ख़त्म, तो दो शक्तियाँ हमारे सामने आई थी। वो दो शक्तियाँ कौन सी थी? एक था यूएसए और एक यूएसएसआर। और यूएसएसआर तो कुछ चीज़ रही नहीं, तो अब क्या है? रसिया। तो हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि रसिया और यूएसए दो जो थी पावर थी। तो दो पावर का मतलब क्या हुआ? बाई। तो पहले वर्ड क्या था? बाईपोलर वर्ड था। बाईपोलर मतलब एक यूएसए और रसिया। इन दो कंट्री जो हैं पूरी दुनिया पे, इनके अपने अपने गुट थे। यूएसए, कुछ कंट्रियाँ यूएसए की तरफ थी और कुछ कंट्रियाँ रशिया की तरफ से थी। अब लेकिन आज की ताजी तारीख में ये बाईपोलर वर्ल्ड जैसा कुछ रहा नहीं है। अब क्या हो गया? मल्टीपोलर वर्ल्ड। अलग अलग शक्तियाँ आ गई हैं। चाइना आ गई है, ठीक है ना, साउथ ईस्ट में इंडिया आ गई है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो कंट्री आ रही हैं, तो बाईपोलर से क्या हो जा रहा है? मल्टीपोलर वर्ल्ड आ गया है। और अब हमें एक नई स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है अगर हम दुनिया में न्यूक्लियर रेस को रोकें। तो कैन नॉट गवर्न बाई सिंगल बाइनरी इक्वेशन, मतलब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट आपको रोकना है तो केवल एक सिंगल जो आपकी इक्वेशन है कि यूएसए और रसिया को रोको, तो आज की तारीख में ये काम नहीं करेगी। आज की तारीख में हमें और देशों को भी रोकना पड़ेगा। जैसे कि नए मल्टीपल इक्वेशन क्या आ गई हैं? यूएसए रसिया, यूएसए चाइना, सबके पास न्यूक्लियर है। यूएसए के पास भी न्यूक्लियर है, नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर है, वो क्लेम करता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना। तो ये सारी इक्वेशन होने के कारण क्या है? न्यूक्लियर जो एक्टिविटीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो गई हैं, ठीक है। एक नया एग्रीमेंट और है, स्टार्ट STARTएग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या करता है? इंटर कॉन्टीनेंटल मिसाइल होती हैं जो एक कॉन्टीनेंट से दूसरे कॉन्टीनेंट में जाती हैं। कॉन्टीनेंट का मतलब ये एक आपका एशिया कॉन्टीनेंट है, ये अफ्रीका है। तो अगर एशिया से दागोगे तो अफ्रीका तक की इसकी रेंज हो, तो ऐसी मिसाइल को बोलते हैं इंटर कॉन्टीनेंटल मिसाइल। तो स्टार्ट एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था? स्टार्ट एग्रीमेंट भी यूएसए और रसिया के बीच में हुआ था, ठीक है। और ये 2021 में लैप्स हो जाएगा। तो क्या इस 2021 के बाद इसको दोबारा रीन्यू किया जाएगा? 100% नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन यूएसए की स्ट्रेटेजी क्या है कि हमको पूरी दुनिया चीट कर रही है और अपना अपना न्यूक्लियर वेपन बना रही है। और ये जो स्टार्ट एग्रीमेंट किससे था? इंटर कॉन्टीनेंटल मिसाइल, सबमरीन, लॉन्च बेसकिल और हैवी बम को हटाने के लिए। लास्ट में पंच लाइन है, ये आपको अपने कंक्लूजन में लिख सकते हो कि एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल हैज़ टू बी ब्रॉट इनटू लाइन विद टुडेज पॉलिटिकल रियलिटीज़। और टुडे पॉलिटिकल रियलिटीज़ क्या है? कि देर इज नो बाईपोलर वर्ल्ड, अब क्या है? मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो हमें सारे के सारे रीजनल ग्रुप्स, ठीक है, इन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर हम पूरी इस दुनिया को न्यूक्लियर जो है पावर से बचाना चाहते हैं कि कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो। तो इसी पे मैंने क्वेश्चन भी बनाया आगे, जो आपको 200 वर्ड में लिखना पड़ेगा। अगला है पेपर नंबर 3, पॉवर्टी एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये हमारा टॉपिक है, गरीबी, ठीक है, और समृद्धि विकास। इसमें क्या है कि एक डेटा आया है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है, ये बहुत ही गरीबी की बात करें, ठीक है, और एजुकेशन की बात करें तो दोनों में बहुत ही पिछड़ी है, ठीक है ना। वो क्यों है? इस पे आर्टिकल आया है। तो उन्होंने क्या फाइंडिंग निकाली है कि एजुकेशन लेवल, ठीक है, एजुकेशन लेवल स्पेशली मुस्लिम रिलीजन में बहुत ही कम है। बहुत कम का मतलब क्या है? पीजी की बात करें, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट की, ग्रेजुएट की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और दूसरी जो रिलीजन है, जैसे हिंदू हो गए, ठीक है, जैन हो गए, सिख हो गए, ठीक है, तो इनकी और क्रिश्चियन हो गए, इन सब की तुलना में जो मुस्लिम बच्चे हैं वो बहुत कम एडमिशन लेते हैं पीजी में, ग्रेजुएट में,
ठीक है, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इन सब पे बहुत कम होते हैं। जब इनकी एजुकेशन बहुत कम होती है तो इनके चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं कि इनको क्या अच्छी नौकरी मिले। और इनकी हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे अटेंडेंस तो बहुत ही, मतलब बहुत ही कम है। जब इनकी हायर एजुकेशन नहीं होगी तो इनको नौकरी नहीं मिलेगी, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ये वीसीएस साइकिल और पॉवर्टी में फंस जाएंगे, जो ऐसा हुआ है। ठीक है, तो हमें सारी कम्युनिटी का विकास करना है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, स्पेशल इंसेंटिव देना चाहिए कि जो मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं जो हायर एजुकेशन में बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं तो उनको इंसेंटिव दो, उनको प्रमोट करो कि वो हायर एजुकेशन में जाएं। इवन सब्सिडी भी दे सकते हैं। और जो नहीं जाना चाह रहे हैं, जो हमने देखा कि क्लास 10 और 10 के बाद 12, ठीक है, यहाँ पे बहुत कम बच्चे जो है एजुकेशन को अडॉप्ट करते हैं, 9 क्लास के बाद ही क्या करते हैं, ड्रॉप आउट करना शुरू कर देते हैं। तो 9th क्लास के टाइम पे क्या कर दो, इनको वोकेशनल एजुकेशन दे दो, जिससे कि जहाँ पे भी जाएं अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो ये रिपोर्ट जो है आपको एज ए एग्जाम्पल इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जब भी बात आए तो हम इसको डाल सकते हैं कि सारी कम्युनिटी क्या है, इक्वली डेवलप नहीं है एजुकेशन की बैकवर्डनेस होने के कारण, हेट्रोजिनिटी है उनके डेवलपमेंट में। बहुत लंबा वीडियो आज। पेपर नंबर थ्री में क्या है, इंडिया ने अपने आप को डिक्लेयर किया है न्यूक्लियर ट्रायड ऑपरेशन का मतलब क्या है कि आज इंडिया सक्षम हो सकता है थल, जल और वायु, मतलब लैंड से, ठीक है, सी से और एयर से, तीनों कैपेबिलिटी हमारे पास, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मतलब न्यूक्लियर वेपन हम कहीं से भी अब फायर कर सकते हैं, कहीं से भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, और अंडरग्राउंड कैसे, अंडर वाटर कैसे छोड़ेंगे, INS अरिहंत के द्वारा। और जो दूसरी सबमरीन आएगी वो कौन सी होगी, INS अरिघाट। तो इनके आप नाम याद रखोगे। हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या कहती है, नो फर्स्ट यूज़, हम कभी पहला यूज़ नहीं करेंगे, हम हमेशा दूसरा यूज़ करेंगे। मतलब कोई देश से हमारी लड़ाई हो गई, मान लो हमारी लड़ाई किसी एक्स कंट्री से हो गई, तो हम कभी भी उस पर पहला न्यूक्लियर वेपन नहीं छोड़ेंगे, अगर उसने हम पे छोड़ा तो तभी हम छोड़ेंगे। तो ये न्यूक्लियर पॉलिसी पेपर नंबर 3 में मैं आपको अच्छी तरह पढ़ाऊँगा, वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। अब है पेपर नंबर 3, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक अच्छी खबर आई है कि ओजन लेयर क्या है, रिकवर हो रही है, जो उसमें होल हो गया था वो बहुत जल्दी उसमें हीलिंग हो रही है, 1-3% की पर डिकेड, 10 साल में 1-3% रिकवरी हो रही है। और जो डेटा हमारे सामने आया है कि पोलार रीजन में जो होल है 2060 तक एकदम ठीक हो जाएगा, पूरी हीलिंग हो जाएगी उसकी, साउथर्न हेमिस्फीयर 2050 तक, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर 2030 तक, अंटार्कटिका जोन 2060 तक। अब इसमें कुछ एक आइडिया देखो कि 2060 मतलब जो ज़्यादा साल में रिकवर होंगे तो वहाँ पे क्या है, ठंड उतनी ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है, और इसी कोल्डनेस का ही बहुत बड़ा रिलेशनशिप होता है। जब मैं आपको ओजोन लेयर का टूटना बताऊंगा, उसमें होल होना बताऊंगा, तो बताऊंगा कि जहाँ पे जितना ज़्यादा कोल्ड कंडीशन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, उतना बड़ा होल होगा। इसीलिए पोलार रीजन की बात करो, अंटार्कटिका जोन की बात करो, तो क्या है 2060 तक रिकवरी हो रही है, बाकी जगह क्या है 2030 तक रिकवरी हो जाएगी और 2050 तक रिकवरी हो जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी। तो पॉवर्टी लाइन आपको पता ही है, ठीक है, नहीं पता है तो मैं भी बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम कब करेंगे, जब हमारा मेंस स्टार्ट होगा, सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन एक हिंट हमने इसलिए दिया क्योंकि ऐसी खबर आज के न्यूज़पेपर में थी, डज एजुकेशन हैज़ एनी इफेक्ट ऑन मिनिमाइजिंग प्रॉपर्टी। यस, बिल्कुल है इफेक्ट। क्यों इफेक्ट है, जो एजुकेशन मिलेगी उसको तो उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होंगी। वाई देर इज ए होमो हेट्रोजिनिटी इन पॉवर्टी अमंग वेरियस रिलीजियस कम्युनिटी इन इंडिया। तो एक कम्युनिटी की तो अभी हमने बात करी, ठीक है, तो क्यों है, इसका कारण हम और डिटेल में पढ़ेंगे, 250 वर्ड में आंसर लिखना था, तो इस टाइप का आंसर हम करेंगे। फिर अगला आंसर क्वेश्चन है, द वर्ड सिनेरियो इज चेंजिंग फ्रॉम बाईपोलर वर्ड टू मल्टीपोलर वर्ड। बिल्कुल सही बात है, पहले बाईपोलर में USA और कौन थे, रसिया, आज मल्टीपोलर हैं, बहुत सारे देश आ चुके हैं। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी टू कंट्रोल द न्यूक्लियर आर्म रेस अमंग दीज कंट्रीज। अब इस कंडीशन में जब मल्टीपोलर वर्ड हो गया तो अब कौन सी स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी, तो इस स्ट्रेटजी का थोड़ा हिंट मैंने दिया था। इसका आंसर
भी आप कुछ तो लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस टाइप के आंसर आएंगे, और अपने दिमाग में क्या करो, पजलिंग करते रह करो कि हम इस तरह के क्वेश्चन में कहाँ तक आंसर लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग eAcademy, ठीक है, और हैप्पी दिवाली। पॉल्यूशन कम करना रिक्वेस्ट है। गॉड ब्लेस यू।